न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। महोबा शहर की 251 महिलाओं ने मैया यशोदा बनकर कान्हा का छठी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया। रंग बिरंगे परिधान में सजी महिलाओं ने भगवान कृष्ण के बाल रूप को 56 भोग का प्रसाद लगाया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में भगवान की बाल लीलाओं के नृत्य प्रस्तुत किए। छठी उत्सव में महिलाओं ने भक्तिमय संगीत में न केवल जमकर नृत्य किया बल्कि स्टेज प्रस्तुति देकर भी कान्हा के प्रति अपनी आस्था दिखाई। आज जो उत्सव है ये किस तरीके का उत्सव है, क्या उद्देश्य है? मेरा नाम माया अग्रवाल है और सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जी की छठी कई बधाई देना चाहूंगी। और ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जो कि पीछे होता जा रहा है, बच्चे नए बच्चे जानते नहीं है। ये हम सभी 251 महिलाएं सभी यशोदा मैया बने हुए हैं और बड़े हर्ष उत्साह के साथ मनाते हैं, इसे हर साल मनाते हैं। हमारी सारी मातृ शक्तियाँ हर साल मनाती हैं और हम लोग डांस करते हैं, बच्चे डांस करते हैं और जितना भी हो सकता है आनंद से मनाते हैं इसे। खबर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां बीच बस्ती से निकली सुखनई नदी में एक व्यक्ति का शव लोगों को उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद नदी के पास देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना कोतवाली प्रभारी को मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रभारी द्वारा शव को नदी से बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुट गई है और मौत के कारणों का पता लगाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। आज झांसी जनपद में थाना बबीना क्षेत्र अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर में चढ़ गया है और उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उसमें एक परीक्षार्थी थी जो 8 थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली थी, जो जालौन जनपद की थी। उनको फीमर बोन फ्रैक्चर है और इलाज के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे एडमिट किया गया था। कानपुर में पूर्व विधायक लाल सिंह तोमर की अगुवाई में हजारों लोगों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए, नरवाल SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कोलकाता की सरकार को बर्खास्त कर राज्यपाल शासन लागू करने का मांग की है और महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की भी मांग की। आज हम लोगों ने यहाँ पर SDM सर को ज्ञापन दिया है, उसमें 2 विषय रखे हैं हमने, जिसमें से पहला विषय है जो बांग्लादेश में स्थिति चल रही है, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं जिनके साथ जो बिल्कुल बर्बरता से वहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है और उनके खिलाफ हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह का जो हिंदू के खिलाफ बर्ताव है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार को बिल्कुल कड़क से कड़क एक्शन लेने चाहिए इस तरह के मामलों में, ये हमारा एक ज्ञापन था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि जो वेस्ट बंगाल में जो स्थिति हो रखी है, हमारी बहन हमारी बेटी वहाँ पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, किसी का नाम नहीं, थोड़ा ऊपर ले लो या जो भी है, आप ऐसी स्थितियों में बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और ऐसी वेस्ट बंगाल की सरकार को बर्खास्त करें। कानपुर में तालाबों और नगर निगम की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम और KDA अधिकारियों के बीच बैठक हुई। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि शहर में पहले कई तालाब थे लेकिन अब भू माफियाओं ने उन पर कब्जा कर लिया है और KDA ने इन जमीनों के नक्शे भी पास कर दिए हैं। उन्होंने KDA और नगर निगम को संयुक्त रूप से कब्जा की गई जमीनों की जानकारी जुटाने और उन्हें वापस कब्जे में लेने की बात कही। महापौर ने सीसामऊ में एक प्राचीन मंदिर के विवाद पर भी चर्चा की, जहां एक पक्ष का कहना है कि मंदिर कभी था ही नहीं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वहां अष्ट धातु की मूर्तियां भी थी। नगर निगम इस पूरे मामले की जांच कर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगा। देखिए, हमने अधिकारियों के साथ बैठक इसलिए किया था कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको लेकर थोड़ा सा KDA या नगर निगम कंफ्यूज वाला बात चल रही है। अभी आपने देखा, हमने महिला मार्केट बनाना था तो हमने पूरी खाली कराया, तो हम जहाँ जहाँ खाली कराते हैं अगर उस बात को KDA कहे हमारा है तो फिर उसे एक्ट के हिसाब से, जैसे 45 से लेकर 59 तक जो हमारी जगह चौकाते तो बाद में बनाना वो सबका। और सबसे बड़ी बात है कि जितना मेरे शहर के तालाब थे था तो सब KDA का, सब पर तो कब्जे हो गए, तो इसलिए हमने कहा आपस में बैठिए, सब सुलझा दीजिए, सुलझाने के बाद में हम अपना काम करें।
मैनपुरी में तहसील कर्मचारियों का गजब कारनामा। माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर चला कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक के स्मारक स्थल की जमीन पर। शहीद के परिजनों को सूचना दिए बिना शहीद के स्मारक पर चलवा दिया गया बुलडोजर। सरकार द्वारा सन 2000 में कारगिल में शहीद की प्रतिमा स्मारक के लिए जमीनें हुई थी आवंटित। मैनपुरी के थाना बेवर के गड़िया गुटारा गाँव का ही पूरा मामला है। अवनीश जी, ये जो कारगिल में शहीद हुए आपके भाई हैं? हमारे बड़े भाई। बड़े भाई हैं। ये जो स्मारक के लिए जो सरकारी आपको भूमि दी गई थी यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाने के लिए, ये देखने बाउंड्री वॉल है लेकिन किस वजह से यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया? ये सेक्टर के लिए इन्होंने पैमाइश लगाई, जबकि इससे एक साल पहले लेखपाल ने नाप के हमें 80 मीटर दी थी लेकिन आज 78 मीटर नाप रही, कह रहे तुमने बढ़ा लिए। और उसके बाद हमें कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दिया, और नोटिस न देने के बाद भी बाउंड्री तोड़ दी। जब हमें 5:30 बजे सूचना मिल रही तो हम यहाँ भाग के फिर आ नहीं सकते थे। गोरखपुर में एनीमिया और सैम बच्चों के प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। गोरखपुर एम्स और यूनिसेफ ने इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता DM अजय कुमार द्विवेदी ने की, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इसे शुरू किया। DM, CDO और CMO ने एनीमिया और सैम बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निर्देश दिए हैं। DM ने जिले को कुपोषण मुक्त बनाने का आह्वान किया और एनीमिया से बचने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेने पर जोर दिया। जालौन जिले के रामपुरा में एक दुर्घटना में मोटरसाइकिल आवारा मवेशी से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत CMO सभागार में एक दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सभी इंटर कॉलेजेस में एक एक शिक्षक को बुलाकर मनोचिकित्सक डॉक्टर यूसुफ खान ने बच्चों में मानसिक विकार जैसे ऑटिज्म, कंडक्ट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर पर विस्तार से जानकारी दी। CMO ने भी शिक्षकों को मानसिक रोगों के प्रति जागरूक किया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे CSC में मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक की पीट पीट कर हत्या का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले में रूटीन जाँच और वैधानिक कार्रवाई कर रही है। युवक कुछ दिन से मानसिक रूप से परेशान था। आज सायं शाहबाद थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो अचेत अवस्था में मोहल्ला सुलेमानी में पड़ा था, जिसको एम्बुलेंस के माध्यम से CSC शाहबाद भेजा गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके की जांच की गई। CSC में डॉक्टरों द्वारा परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति की पहचान उस्मान उर्फ लाला के रूप में हुई, जो सुलेमानी मोहल्ले का ही रहने वाला है। फरुखाबाद में बीती रात थाना कमालगंज क्षेत्र के रजीपुरा स्थित गुंजन नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। अवैध नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान प्रसूता नवजात की मौत हो गई। मृतका के परिजन जब CSC पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया। अवैध नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार हो गया और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते जिले में ऐसे नर्सिंग होम बेखौफ चल रहे हैं। बाराबंकी के घुंगटे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ननकू पुत्र राम लखन लोहिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर कर दिया, जिसकी जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। पुलिस ने ननकू को जिला अस्पताल भेज दिया। कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया है। ननकू और उसके साथियों ने पिंडसावा में चोरी और मारपीट की थी। इससे पहले गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सामान नकद बरामद किया। कासगंज के निजामपुर गांव में एक मगरमच्छ पानी से निकलकर खेतों के रास्ते घर में जा घुसा। किसान चारपाई पर सो रहा था जब उसने मगरमच्छ की आहट सुनी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे और वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप है। फरुखाबाद के कायमगंज स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, मरीज के जीवन पर पड़ी भार। सरकारी अस्पताल में उल्टी होने पर मरीज अपने आप को दिखाने पहुंचा, जहां मरीज की तीमारदार को ही CSC के कर्मचारी ने इंजेक्शन लगाने को दे दिया। मरीज की तीमारदार का इंजेक्शन लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें वो दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। ये ट्रेन मेरठ से लखनऊ तक 7 घंटे में यात्रा करेगी। उद्घाटन के पहले दिन 200 बच्चों और यात्रियों के फ्री सफर का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब कुल 6 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। मेरठ सिटी स्टेशन को उद्घाटन के लिए विशेष रूप से सजाया गया। लोग ट्रेन में सफर करने के लिए उत्साहित नजर आए। महोबा के कोतवाली कुलपहाड़ क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक हसमुद्दीन, जिनकी पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था, शौच के लिए रेलवे ट्रैक पर गए थे। शक विशक्त होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर के शेखानपुर गांव में दबंगों ने सरकारी नाले पर कब्जा कर एक भवन बना दिया, जिससे गांववासियों को गंभीर समस्या हो रही है। नाले की जल निकासी में बाधा होने के कारण गांव में गंदा पानी भर गया, जिससे बीमारियां फैल गई।
गांव वालों की कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे चौराहे पर कब्जा किए जाने से लोगों की भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बसौला गांव में लगभग 100 परिवार जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हर साल बारिश के मौसम में सड़कों और घरों में 6 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे संक्रमण रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या कई सालों से बनी हुई है, लेकिन ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व में मौजूदा नाले पर कब्जा कर लिया गया, जिससे पानी की निकासी रुक गई है। अब ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है बाबू, हम लोग के बहुत पानी भर गए घर में। घर में खाना बनाने वाला गैस दे के बनाने वाला नहीं है खाना। लड़के कहियो कहियो खाना खाते हैं, कहियो कहियो वही ना सूत रहते हैं। अभी क्या दिक्कतें हैं जो सड़कों पर आप लोग पानी में चल के आ रही हैं? अब आवल जाता सर के पर के पकड़ के ले जा, बूढ़ पुरानी रहे लड़के रहे निकाल के नहीं निकाले जाते, घर ही में रहे कुछ पढ़े न जाए। ये जल भराव जो हुआ सड़कों पर किस वजह से है? ये किस नाला नहीं बनता है ना, इस तरफ बड़े बरसोरा के नाला पूरा बना के यहाँ कहता खलम जमी लिया तो पानी भरा तो क्यों भरा, ऐसे कहते हैं। ऐसा नाला नहीं साफ कराता है, ऐसी पूर्व से पच्चू से नाला यहाँ पर गिरा दिए। सितारगंज में कांग्रेसियों ने महिला अपराधों के खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में महिला अपराध बढ़ गए हैं और भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विशेष रूप से सल्ट के भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर सरकार की निंदा की गई। आप ये देखिए कि लगातार देश में नहीं, देश में प्रदेश में आज जो महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है, ये जो भाजपा सरकार है जो कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं के लिए जो है कहती है हम आरक्षण लाएंगे, और आप देखिए चारों तरफ चाहे कोलकाता की बात हो चाहे हमारे रुद्रपुर उधम सिंह नगर की बात हो, आप देखिए महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। आए दिन आप लगाइए, आए दिन जो है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न, आप ये लगाइए कि देखा ही नहीं कि जो सरकार महिलाओं को ज़्यादा अपने बता रही है, हितैषी बताती है, वही सरकार महिलाओं का शोषण करने लगी है, महिलाओं का उत्पीड़न कराने लगी है। महोबा के पनवाड़ी थाने के सिपाही पर एक छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगा है। सिपाही ने शादी का झांसा देकर छात्रा का 3 साल से यौन शोषण किया, धमकाने के लिए उसे बंदूक दिखाई। पिता की शिकायत के बाद एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया, मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस कृत्य से पुलिस विभाग की छवि को शर्मसार किया है। महोबा के ही पनवाड़ी थाना क्षेत्र के घुटई गांव स्थित गौशाला में रखरखाव की कमी की वजह से 4 गौवंशों की मौत हो गई। अव्यवस्थाओं और चारा भूसा की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मृतक गौवंश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किए किस तरह से चारा और रखरखाव के अभाव में गौवंशों की मौत हुई है। महोबा में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने बिजली विभाग कर्मियों पर गुस्सा जताया। एक किसान का घरेलू कनेक्शन बकाया जमा करने का समय मांगने के बावजूद काट दिया गया और कर्मचारियों ने कनेक्शन ना काटने के बदले सुविधा शुल्क की मांग की। विधायक की शिकायत पर विद्युत कर्मियों को सुधरने की सलाह दी गई और किसान से माफी भी मंगवाई गई है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। मामला महोबा शहर के नवीन गल्ला मंडी इलाके का है। इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक महिला सहित कुल 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 लोग एक पक्ष के और 3 लोग दूसरे पक्ष से हैं। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 3 गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए। मिर्जापुर के अरोरा में श्री राधा कृष्ण सेवा स्थल समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय ठाकुर जी की रथ मेला यात्रा शुरू हुई है। मेले के दौरान अरोरा बांध के समीप प्राकृतिक स्टेडियम में विराट अंतर प्रांतीय कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। विभिन्न राज्यों के नामी पहलवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख पहलवानों में DIG दीपक, चकिया के शमशेर, हाजीपुर के चीनी पहलवान और दिल्ली की वैशाली शामिल थीं। नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस और चोरों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका साथी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए बदमाशों से 30 चोरी किए गए मोबाइल फोन, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इन बदमाशों ने हाल ही में सेक्टर 59 के वेयरहाउस से मोबाइल फोन चुराए थे। पुलिस ने इनके आपराधिक इतिहास की जांच शुरू कर दी है। संभल में एक मजदूर की नग्न अवस्था में शव शमशान घाट के पास मिला, जिसमें रस्सी से गला घोट कर ईंट से सर कुचला गया था। हत्या की खबर से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। हत्या के पीछे पुराने विवाद का संदेह है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के ग्राम कबीर की सराय का है। आज सुबह थाना कोतवाली संभल पर श्री रामकृपाल पुत्र पूर्ण निवासी कबीर की सराय थाना कोतवाली संभल द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके लड़का अमीर चंद उम्र लगभग 30 वर्ष कल मजदूरी के लिए गया था। इसी दौरान 4 लोगों द्वारा झगड़े के पश्चात
ईंट से सर पे मारकर एवं गला दबाकर हत्या कर दी गई है। यह कृत्य दलवीर शनाफ सांवले, मनोज पुत्र सोमपाल, गुड्डू पुत्र राम अवतार एवं रामकिशन पुत्र सांवले द्वारा कारित किया गया है। इस सूचना पर थाने पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।